फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंदिरा स्टेंडी पंचवंजन। आज मैं एक रेसिपी लेके फिर से आ गई। ये है धाबा स्टाइल एक ग्रेवी, बांग्लार डिमेर रसा, हाँसेर डिमेर रसा। तो बिफोर आई गेट इनटू द रेसिपी, मैं बोलना चाहूंगी आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चलो, एक करी के लिए पहले फर्स्ट चीज तो मेन इंग्रेडिएंट्स है एग, अंडा, टमाटर, ऑनियन, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा, हरा मिर्ची, कार्ड, ऑयल, कसूरी मेथी, पानी। नमक और हल्दी से मैरिनेट करूंगी, नमक हल्दी और मिर्ची पाउडर से मैरिनेट करूंगी। सरसों का तेल मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी। एक को ऐसे ऐसे हिलाने से पूरा चारों तरफ से उसका फ्राई हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुकिंग का अभी खाना का स्मेल आते ही मेरा डॉगी सब आ गए, मेरा डॉगीज आ गए। ये है मिचकी, मिचकी बहुत एक पसंद करती है, बहुत पसंद करता है। और एक है वो भी वो बैठ गया, देखो वो बैठ गई, वो खाने के लिए बैठ गई। चलो बैठो, होने दो, कुकिंग होने दो। थोड़ा ये होटल स्टाइल है, थोड़ा ज्यादा मैं तेल डाल दी, मगर ये कम तेल से भी, घर में जो घर में खाते हैं तो कम तेल से ही बनता है, मगर मैं थोड़ा ज्यादा तेल दिए है कर रही हूँ जीरा से। ये जीरा से टेम्परिंग हो रहा है, टेम्परिंग विथ जीरा। अभी मैं इसमें मीडियम साइज का 3 ऑनियन है, चॉप्ड ऑनियन मैं इसमें डाल रही हूँ। ये फ्राई होने तक मैं इसमें मसाला बना रही हूँ चॉप्ड। इसमें मैं कुछ पीस के नहीं डालूंगी, ढाबा में पहला जमाना में, अभी तो सब मिक्सी निकल गया, पहला जमाना में तो उतना मिक्सी वो सब नहीं हुआ करता था, ढाबा तो सड़क के आसपास में होता था। देखिए फ्रेंड्स, मैं लहसुन को, गार्लिक को भी मैं ग्रेट करके दे रही हूँ, कुछ भी मैं ग्राइंडर में पीस के नहीं दूंगी। दोनों का टेस्ट अलग होता है, एक ग्राइंड करने का एक टेस्ट होता है, चॉप करने का एक टेस्ट होता है, और ऐसे ग्रेटर से ग्रेट करके देने से और एक टेस्ट होता है। सब ग्रेटर करके देने से भी बहुत अच्छा होता है। ऑनियन ऐसा गोल्डन होने तक, थोड़ा बस गोल्डन होने तक मैं इसको पकाऊंगी, तब तक मैं सॉटे करती रहूंगी, नहीं तो ज्यादा फ्राई होने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके साथ मैं थोड़ा हरा मिर्ची मैं डाल रही हूँ। देखो ये थोड़ा कलर चेंज होके थोड़ा ब्राउन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी मैं इसमें दूसरा मसाला डालूंगी, 1 चम्मच अदरक, 1.5 चम्मच अदरक मैं डाल रही हूँ। इसके साथ मैं डालूंगी लहसुन, लहसुन भी मैं 1 चम्मच भर के
और थोड़ा डाल रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, अला बना रही हूँ जिसमें जाएगा पहला दही। फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये एकदम एक चम्मच भर के, ये थोड़ा ज्यादा कम होने से कुछ नहीं है, ये तो तीखा नहीं होता है। अभी रेड चिली पाउडर, उसके साथ मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, ये भी मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। इसके साथ जाएगा नमक, नमक मेरे पास अंडा तो है, 8 अंडा है, थोड़ा ज्यादा ग्रेवी होगा तो इसीलिए नमक मैं एक चम्मच भर के दिए। फिर लास्ट में जिसका जो टेस्ट है, जो कोई नमक ज्यादा खाता है तो ज्यादा दे देगा। गरम मसाला ये 1 टीस्पून, उतना ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून। और आएगा धनिया पाउडर, ये भर के एक चम्मच भर के धनिया पाउडर। अभी लहसुन मैं इसको मिला रही हूँ, ये बन गया मेरा मसाला। अभी मैं इसको अभी जो मसाला, दही का मसाला जो बना के रख दी थी, वही मैं डाल रही हूँ। थोड़ा स्लो कुक करना पड़ेगा, तो जितना अच्छा मसाला कुक होगा उतना अच्छा ग्रेवी बनेगा, से टेस्ट भी अच्छा आता है। जितना मसाला को भूनूंगी, सॉटे करूंगी, उतना टेस्ट भी ज्यादा होता है। टमाटर पेस्ट करने के लिए मैं मिक्सी में थोड़ा इसको हाफ हाफ करके राफली काट के मैं डाल रही हूँ। टमाटो प्यूरी बन गया, स्मॉल साइज का, छोटा साइज का 4 टमाटर प्यूरी बना ली, तो ये अभी प्यूरी मैं डाल रही हूँ। इसको भी लगातार सॉटे करना है। मसाला 3-4 मिनट्स तक इसको कुक करना पड़ेगा, जब तक इससे ऑयल सेपरेट नहीं होता है। अभी देखिए इसमें ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला से सेपरेट हो गया। एक कप पानी, ये थोड़ा गर्म करके मैं पहले रख दी, ये गर्म पानी डाल रही हूँ। कट लगा के डालने से इसमें थोड़ा जूस अंदर अंदर जाएगा। अभी ग्रेवी उबालने के बाद मैं इसमें अंडा मिला रही हूँ। मेथी को हाथ में थोड़ा ऐसे मसल मसल के देने से उसको फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए इसको थोड़ा मसल मसल के थोड़ा इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी डालूंगी।
আজকের রেসিপি মশলা এগ গ্রেভি হোটেল স্টাইল মশলা এগ গ্রেভি বিলকুল তৈরি হ্যাঁ একদম আপনারা ভি বানাইয়ে আপনারা ভি এনজয় কিজিয়ে খাইয়ে ঘর মে বানাইয়ে আর মেরে কমেন্ট সেকশন মে বাতানা ভুলনা নেই কেসা লাগা আপনারা বাতাইয়ে মেরে কমেন্ট সেকশন মে তব তক কে লিয়ে টেক কেয়ার গুড বাই।